Dear children, today is subject recitation of Quran Hifz Surah. So open the page number 21 and lesson number 161. Everyone read loudly. Suratul Fatiha. Acche se padhiye. Idhar dhyan dijiye. Allah ka kalam Quran padha ja raha hai. प्यारे बच्चों उमर इधर देखो बेटा और पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قلوا مدهات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ سورے پر دھیان دیجئے سورة العصر سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Once more repeat again سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم پڑھئے رضا فاطمہ پیج نمبر 21 پہ नया सूरा पढ़ा रहे वल इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला الذين आमनू وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
Whatever sound is sound. Very good, mashallah, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आज का कुरान का नया लफ्ज है अल इंसान। सूरह हश्र में ही आज हमने पढ़ा वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बिल्कुल घाटे और खसारे में है। सारे इंसान घाटे और खसारे में है, नुकसान में है। क्यों नुकसान में है? इसलिए कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं ले आए और नेकियों पर उन्होंने नहीं चला, हक का दामन अगर नहीं पकड़ा और हालात पर सब्र नहीं किया, तो सब इंसान घाटे और खसारे के अंदर है। लेकिन अल्लाह ने इस आयत के बाद कहा सिर्फ वही इंसान घाटे में नहीं होगा जो चार काम करेगा। ध्यान दो बच्चों, चार काम करने वाला इंसान किसी भी जमाने में घाटे में नहीं होगा। अल्लाह इस सूरे में कसम खा रहे जमाने की, कसम है जमाने की, सब इंसान घाटे में है, नुकसान में है, लॉस में है। लेकिन चार काम करने वाला इंसान कभी भी किसी भी जमाने में घाटे में नहीं होगा, खसारे में नहीं होगा। वो कौन से काम है चार जिसके करने से हम हर जमाने में नुकसान से, लॉस करने से बच सकते हैं जिंदगी? नंबर एक, ईमान ले आए अल्लाह उसके रसूल पर। नंबर दो, नेकी के रास्ते पर हर हाल में चलते रहे, गुनाह और बुराइयों से दूर रहे, ये दूसरा काम। तीसरा, हक पर चलते रहे जिंदगी में, सच्चाई पर चले हमेशा, जहां भी हमें कुछ करना हो या कुछ बोलना हो या लाइफ में हमेशा सच्चाई रखे, धोखा फरेब झूठ न रखे। तीसरा काम। चौथा काम, हर हालत में अल्लाह का दामन पकड़कर सब्र करे। अच्छे हालात आए तब भी शुक्र करें, बुरे हालात आए तो सब्र करें। तो चार काम करने वाला किसी भी जमाने में लॉस में नहीं जाएगा, लॉस नहीं उठाएगा। तो आज हम कुरान का नया लफ्ज जिसमें इंसान के बारे में आया है, अल इंसानु द ह्यूमन, सूरह असर की दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा I swear by child, हम जमाने की कसम खाकर कहते हैं man is in a state of loss indeed, हर इंसान घाटे और खसारे में है, सिवाय उस इंसान के जो चार काम करे, इल्ला लज़ीना आमन, जो ईमान लाए, वामिलु सालिहात, और जो नेक काम करे, वतवासौ बिलहक, जो सच्चाई पर चले, वतवासौ बिस्सब्र, और जो हर हालत में सब्र का दामन पकड़े रहे, तो ये इंसान की जो है लॉस और घाटे में नहीं होगा। तो आज आपको पेज नंबर 22 पर अल इंसानु ह्यूमन इसे ड्राइंग करना है और अपने नोटबुक में इसको 10 टाइम्स मीनिंग के साथ पढ़ते हुए लिखना है। अल इंसानु, अल इंसानु। द ह्यूमन इसे आप अपनी नोटबुक में 10 टाइम्स लिखें।